हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली एक और वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इमोशनल है, ये वीडियो बहुत ही इमोशनल कहानी पे बेस है। सच में इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि जब किसी का सब कुछ खो जाता है ना तो कैसा लगता है। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कोई कैसे इस दुनिया की भीड़ में भी अकेला रह जाता है। ये कहानी बताती है कि कैसे एक लड़की जो इस पूरी दुनिया में अकेले पड़ चुकी है, उसके अकेलेपन का दर्द क्या है। वो लड़की इस यात्राओं के दौरान कैसा महसूस करती है, कैसा फील करती है, ये चैप्टर वही बताने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, द एड्रेस बाय मार्ग मिंको। मेरा नाम है मार्ग मिंको, ये मेरी कहानी है। कई साल पहले जब मैं लगभग 22 से 23 साल की रही होंगी, तब मैं उस औरत के घर पे जाती हूँ जहाँ पे मेरी माँ ने काफी सारी चीजें रखी हुई थी। यस, कौन? क्या आप मुझे जानती हैं? वो लेडी थोड़ी देर के लिए मुझे डरते हुए देखती है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। एक्चुअली मेरी माँ का नाम एस था, वो आपके पड़ोस में रहा करती थी, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। उस औरत ने ये सुनने के बाद कोई जवाब नहीं दिया, वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। शायद यार मैं गलत घर में आ चुकी हूँ, आखिर कई साल पहले मैं इस लेडी का घर देखा था, तो मे बी हो सकता है मुझे पहचानने में थोड़ी सी गलती हो गई हो, हो सकता है मैं गलत लेडी को पहचान रही हूँ। फिर तभी मेरी नज़र उस लेडी की ड्रेस पर जाती है जिसने एक ग्रीन कलर का कार्डिगन पहन रखा था। अरे यार ये तो मेरी मॉम का था, मेरी मॉम पहना करती थी उसे। जब उस लेडी को लगा कि मैं उसके कार्डिगन को घूर रही हूँ, तो वो लेडी अपने आप को थोड़ा सा दरवाजे के पीछे छुपा लेती है। यस, हाँ मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ, ये मेरी माँ का ही कार्डिगन है और हाँ मैं बिल्कुल सही एड्रेस पे आई हूँ। मैं उस लेडी से दोबारा पूछती हूँ, क्या आप मेरी मॉम को जानती थी? हाँ, बट क्या तुम दोबारा आ गई हो? नहीं नहीं मैम, बस मैं आई हूँ, मेरी माँ वापस नहीं आई। एक्चुअली मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ओह, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। देखिए मैं स्पेशली ट्रेन से यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ, मुझे बस आपसे 2 मिनट बात करनी है, प्लीज़ और प्लीज़ मुझसे बस 2 मिनट बात कर लीजिए। नहीं, एक काम करो, तुम बाद में आओ, ये एक सही वक्त नहीं है बात करने का। देखिए मैं बहुत दूर से आई हूँ, प्लीज़ आप मेरी बात सुन लीजिए। और फिर वो लेडी एकदम से दरवाजा बंद कर देती है। यार कितनी अजीब औरत है ना ये, मैं इतनी दूर से इससे मिलने आई हूँ, उसने मेरी बात तक नहीं सुनी। एक सेकेंड, कहीं मैं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गई? मैं उसके नेम प्लेट को दोबारा देखती हूँ जिसके ऊपर लिखा था डोलिंग 46। नहीं नहीं मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। यार कितने बुरे हैं ये लोग, मैं तो बस कुछ देर के लिए बात करने आई थी यार, मतलब हद है, इतनी दूर से मैं बस यहाँ ये सुनने आई थी। क्यों यार, मैं क्यों ही आई यहाँ पे, छोड़ यार ये दुनिया ऐसी ही है, वापस चल स्टेशन की तरफ। यार कई साल पहले मैं और मेरी माँ यहाँ रहा करते थे, मेरी माँ ने मुझे उस लेडी के बारे में बताया था, इसका नाम था श्रीमती डोल्डिंग। सच में बहुत बुरी औरत है यार ये, सच में बहुत बुरी औरत है। उस वक्त भी इसने हमारा बहुत इस्तेमाल किया था, इसे पता था कि हम यहूदी हैं और ये नाजी है। हिटलर जो था यहूदियों का दुश्मन था, हिटलर जो था हमारा दुश्मन था, उसे ये बात पता थी और उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। इसने मेरी माँ से कहा कि आप टेंशन मत लो, आप अपना सारा सामान मेरे पास छोड़ के चले जाओ, मैं इसको सही सलामत रखूँगी। और मेरी भोली माँ इसकी बातों में आ गई। ये लेडी जब भी हमारे घर पर आती कुछ ना कुछ सामान ज़रूर लेके जाती थी। मुझे याद है एक बार तो ये हमारे घर के सारे चांदी के बर्तन लेके चली गई थी, हमारे सारे ओल्ड फैशन प्लेट्स जो दीवारों पे टंगे रहते थे वो सब भी लेके चली गई थी। मुझे पता था मेरी माँ का दिल नहीं करता ये सब चीज़ें देने का, पर उसे ये भी पता था कि अगर हम यहाँ से भागे तो ये सामान हम वैसे ही खो देंगे, इसीलिए मेरी माँ ने सोचा कि इस औरत को ये सामान देना ठीक रहेगा। पर देखो यार ये लेडी कितनी बुरी है, मुझसे 2 मिनट बात तक नहीं की। सच में यार कितनी बुरी है ये दुनिया। चल यार छोड़, वापस चलते हैं अपनी दुनिया में,
ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। ये सोचते हुए मैं दोबारा स्टेशन पहुँच जाती हूँ। फिर से मुझे उस लेडी का वो फेस याद आता है, मुझे फिर से वो सारी बातें याद आ जाती हैं कि कैसे वो हमारे घर पे खाली सूटकेस लेकर आया करती थी, और जब हमारे घर से जाया करती थी तो सूटकेस सामानों से भरा होता था। कैसे मेरी माँ को ये धोखा देती रही, कैसे, मुझे सब याद आ रहा था। यार शायद मुझे एक बार और जाना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपनी माँ की उन यादों के लिए। हाँ मुझे एक बार और जाना चाहिए, मुझे एक बार और इस लेडी से बात करनी चाहिए। ठीक है मैं जाऊँगी, एटलीस्ट एक बार मैं अपनी माँ के उन सभी सामानों को अपने हाथ से महसूस करना चाहती हूँ, अपनी माँ को, अपने अतीत को, अपनी चीज़ों को एक बार सही पर मैं महसूस करना चाहती हूँ। हाँ मुझे उनके घर पे दोबारा जाना चाहिए। इस बार एक 15 साल की लड़के ने दरवाजा खोला। आपकी मॉम घर पे हैं? नहीं, वो तो किसी काम से बाहर गई हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं उनका यहीं इंतजार कर लूंगी। ठीक है, आप घर के अंदर आ जाइए। जैसे ही मैं घर के अंदर जाती हूँ, सबसे पहले मेरी नजर एक मोमबत्ती के स्टैंड पे पड़ती है। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैंड, और एक बार बताऊं, ये मोमबत्ती का स्टैंड भी हमारा था। ये मेरे घर में रहा करता था, मुझे अच्छे से याद है, और ये स्टैंड भी ये औरत लेके चली गई थी। यार जैसे ही मैं उसके घर में एंट्री मारती हूँ, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरा ही पास्ट था, मेरी माँ की चीज़ें। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वो सारी चीज़ें मुझे मेरे इतने करीब दिख रही थी। मैं रोक नहीं सकी अपनी आँखों को उन सब चीज़ों को देखने के लिए। मेरा मन कर रहा था कि मैं बस इनको देखते जाऊँ, मैं बस इनको टच करते जाऊँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई इनको टच करने की। पर हाँ, मेरी आँखें बस उन सामानों को देखते रहना चाहती थी। तभी वो लड़की कहती है, मैम अगर आप कहो तो मैं एक आपके लिए चाय लेके आऊँ, मैंने अपनी माँ के लिए भी बनाया रखा है, तो आप भी थोड़ा सा चाय पी लेना। हाँ क्यों नहीं। वो चाय का जो कप था, वो चाय की जो प्लेट थी, वो भी बहुत ब्यूटीफुल थी, और वो भी मेरी माँ की थी। मुझे याद है काफ़ी पुराने स्टाइल की चांदी की थी ये, जिसमें वो चाय लेके आई थी। अब इसको क्या बताऊँ कि जिस बर्तन में वो चाय लेके आई है वो बर्तन मेरा है। यार ये सारी चीज़ें कितनी कीमती हैं, पैसों से नहीं हो भले ही, पर मेरे दिल की कितनी कीमती चीज़ें हैं। अभी मैं उस लड़की से कहती हूँ, अरे वाह कितना ब्यूटीफुल है ये। हाँ हमारे पास तो बहुत सारा है, हम तो कई बार इसमें खाना भी खा लेते हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमारे पास, चांदी की चीज़ें हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। चांदी की? हाँ मुझे पता है। फिर मुझे याद आता है कि एक बार मेरी माँ मुझसे कहती है, क्या तुम चांदी की चीज़ें पॉलिश करने में मेरी हेल्प करोगी? तो मैं अपनी माँ से पूछती हूँ, माँ हमारे पास चांदी का क्या क्या है? तो मेरी माँ बोलती है, हमारे पास चम्मच हैं, हमारे पास प्लेट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे चांदी के बर्तन हैं। और जब मैं उन्हें देखती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी, और आज मैं दोबारा से उन चांदी के बर्तनों को देख पा रही हूँ। मेरी आंखें दोबारा नम हो जाती हैं। मेरी माँ की चीज़ें आज मेरी आंखों के सामने थी, मैं दोबारा उनको महसूस कर पा रही थी। मैं महसूस कर पा रही थी कि मेरी माँ यहीं आसपास है। वो दर्द मुझे दोबारा फील हुआ। मैं बस रोने ही वाली थी, मैं उससे बस कुछ कहने ही वाली थी, मैं चीखने ही वाली थी। तभी मुझे याद आता है कि नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे मेरे स्टेशन पे जाना चाहिए, मुझे यहाँ से वापस जाना है। और मैं खड़ी होती हूँ और कहती हूँ, नहीं मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ, अभी माँ आने वाली है। नहीं, मैं जा रही हूँ, मुझे जाना ही होगा। हाँ मुझे जाना ही होगा। जब मैं भागते भागते उस रोड को क्रॉस करती हूँ, तो मैं दोबारा एक बार फिर पीछे उस घर की तरफ देखती हूँ, जिसका एड्रेस होता है डोलिंग 46। मुझे बहुत तकलीफ होती है एड्रेस देख के। मैं रो चुकी होती हूँ। मैं सोचती हूँ कि आखिर मैं यहाँ क्यों आई। मेरे दिल में इतना भारीपन हो गया था, मुझे इतना रोना आ रहा था कि अब मैं क्या ही बताऊँ यार, मैं क्यों आई। डोल्डिंग 46, ये एड्रेस मैंने क्यों याद रखा। नहीं, अब मुझे एड्रेस भूलना होगा। हाँ
अब मैं कभी वापस नहीं आ सकती, अब मैं कभी भी अपने पास्ट को दोबारा याद नहीं कर सकती, अब मैं कभी भी दोबारा रो नहीं सकती। इसीलिए हाँ 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 बस इसीलिए मुझे ये एड्रेस भूलना होगा। फाइनली गाइस, यही था आपका चैप्टर, बड़ा ही प्यारा चैप्टर था। अगर आप इसके इमोशन में जाओ तो बहुत 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 रोना आता है कहीं ना कहीं। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो भैया लाइक वाइक शेयर वेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है। हमारी 11 की वीडियोज़ एनिमेटेड वीडियोज़ स्टार्ट हो चुकी हैं, 2 वीडियो बन चुकी हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से बने रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।